अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये क्लास टेंथ की मैथ की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें इवेलुएट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन का ये फर्स्ट वाला देखिए मैं सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये क्या बोला है, साइन 60 और ये देखिए साइन 60 और कॉस 60, इसके पीछे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए साइन 30 और कॉस 30 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो क्या बोला है, साइन 60 इंटू कॉस 30, तो साइन 60 की वैल्यूज क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू देखिए रूट 3/2 होती है, तो जस्ट इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, रूट 3/2, ठीक है। फिर इंटू, फिर बोल रहा है कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी रूट 3/2 होती है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये बोला साइन 30, साइन 30 क्या होता है हमारा, 1/2, यहाँ 1/2, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। फिर इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 हमारा क्या होता है, 1/2, यहाँ पर देखिए कॉस 60 क्या है, 1/2, तो यहाँ वैल्यूज बस रख दीजिए, ठीक है। तो √3 × √3 हमारा क्या हो जाएगा, √3 × √3, चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, 2 × 2, इसको भी मैं ऐसे लिख देती हूँ। प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 और 2 नीचे वाला 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसकल टू ये देखिए √3 × √3 है, तो 2 रूट है, तो इसमें से एक 3 निकल आएगा, 3/2 और 2 जगह क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/4, तो डिनोमीटर सेम है, तो जस्ट ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3+1, 4/4, कट के 1 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। अब देखिए सेकंड वाला देखिए क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन बोला है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप, और टेन स्क्वायर 45 बोला है ना, तो टेन स्क्वायर 45, तो पहले आप टेन 45 की वैल्यू देखिए, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो आप टेन 45 की वैल्यू 1 लिख दीजिए, देखिए इनके पीछे मल्टीप्लीकेशन साइन है, 1 और टेन 45 की वैल्यू 1 लिखने के बाद ये स्क्वायर बोला है ना, जस्ट उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर ये प्लस ये बोल रहा है कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, तो आप कॉस 30 की वैल्यू पहले देखिए, स्क्वायर पर भी ध्यान मत दीजिए, कॉस 30 देखिए, कॉस 30 है √3/2, देखिए यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये सब याद करना पड़ेगा, ये लिख दिया आपने कॉस 30 की वैल्यू। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर बोला है ना स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। फिर माइनस ये बोला साइन स्क्वायर 60, तो आप साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है, तो √3/2 यहाँ पे रख दिया आपने, और स्क्वायर बोला तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 हो गया। फिर ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, जब √3 को आप दो बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या है, इस दोनों को दो बार लिखना है, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, दो बार √3 है, तो एक ही 3 निकलेगा बाहर, अपॉन 2 को भी दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4, ठीक है। माइनस सिमिलरली इसको भी वैसे कीजिए, सेम नंबर्स है, तो यही आएगा 3/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये +3/4 है, ये -3/4 है, नंबर सेम है और साइन अपोजिट है, तो ये कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, केवल 2, तो आंसर 2 है। अब थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा ये देखिए 4 cos² थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉस 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, कॉस 45, तो कॉस 45 हमारा क्या होता है, 1/√2, तो यहाँ पर जस्ट आप इसकी वैल्यूज रख दीजिए, बहुत इजी है। अपॉन ये sec 30 बोला, sec क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा यानी कि कॉस 30 क्या होगा हमारा, कॉस 30 हमारा √3/2 है, तो sec क्या होता है, sec हमारा होता है 1/cos, ठीक है, तो आप इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 2/√3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, ठीक है। प्लस ये हमारा क्या है, cosec, cosec 30 यानी कि ये साइन का उल्टा है, तो साइन 30 क्या है हमारा, साइन 31/2, इसको आप उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल में कर दीजिए, तो cosec 30 आ जाएगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 1/1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है जस्ट, तो 1/√2 अपॉन ये 2 है, तो 2/1 कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेने पर क्या आएगा, नीचे √3 आएगा, ठीक है, तो 2 प्लस और यहाँ पर क्या बचेगा, √3, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 1/√2, जब आप इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर हो जाएगी और ये नीचे हो जाएगी, तो √3/2 + √3, ठीक है, ये हमारा आया। फिर देखिए वो मल्टीप्लाई कीजिए, ये बचेगा √3/ और ये √2 और ये वाली टर्म जो है आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थैंक यू।